चलिए आज हम देखेंगे क्यूडीएक्स इंस्टा चेक रीडर से हम लोग थायराइड की टेस्ट कैसे करते हैं। ये हमारा क्यूडीएक्स इंस्टा चेक रीडर है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थायराइड की टेस्ट लगाएंगे। और ये हमारे पास कुछ चिप हैं, ठीक है, जैसे ये प्रोलैक्टिन का चिप है, ये हमारे TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको चेक करने के लिए चिप है। और ये हमारे चिप का एक स्लॉट है, ठीक है, जो क्यूडीएक्स इंस्टा चेक रीडर पर दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा आई चैम्बर है या इंक्यूबेटिंग चैम्बर कह सकते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी 37 डिग्री टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग को कार्टेज को इसमें रख के इंक्यूबेट करना है। तो चलिए, अब ये जो हमारे पास है, ये हमारा डाइल्यूएंट है और ये डिटेक्टर है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो जो डिटेक्टर डाइल्यूएंट तैयार करना है उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे तैयार करेंगे। इसका जो प्रोसीजर है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वायल को जो है लीड को ओपन करना है, ठीक है। लीड को ओपन करने के बाद क्या है, अब सबसे पहले जब तक लीड हम ओपन करते हैं तब तक आपको मैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर बात बताता हूँ। इसका जो प्रिंसिपल है, ये सैंडविच इम्यूनो डिटेक्शन मेथड के ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए अब इसके ऊपर देख लेते हैं। ये जो है हम लोग 1200 माइक्रोलीटर जो है डाइल्यूएंट को हम लोग डिटेक्टर में मिक्स करेंगे, यानी ये जो स्मॉल बॉटल्स दिख रहे हैं इसमें क्या है, डिटेक्टर है और ये हमारा डाइल्यूएंट है, ठीक है, ये जो बड़े कंटेनर में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 600 दो बार जो है हम ऐड करेंगे, यानी ट्रांसफ़र 1200 माइक्रोलीटर ऑफ डिटेक्शन डाइल्यूएंट पिपेट की हेल्प से, ठीक है, जो डिटेक्टर वाइल है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये 600 हमने डाल दिया है। अब 600 इसमें हम और भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब 1200 ये हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे इसको, सेक नहीं करेंगे, ठीक है। और अब क्या है कि फिर जो दूसरा हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर वाइल, उसमें भी हम लोग उसी तरह ट्रांसफ़र करेंगे 1200 माइक्रोलीटर ऑफ डिटेक्शन डाइल्यूएंट यूजिंग अ पिपेट टू अ डिटेक्टर वाइल। और इसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको 30 मिनट्स तक के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। लीड को क्लोज करेंगे और ये हमारा अभी तैयार हो चुका है और 30 मिनट्स तक हम इसको स्टैंड कर देंगे 30 मिनट्स के बाद। अब चलिए ये हम दिखा जो रहे हैं, ये हमारा मिक्सिंग ट्यूब्स है, ठीक है। अब जैसे ये हमारे सैंपल्स हैं, इन दोनों के लगाने हैं। ये हमारा कार्टेज है, ठीक है, जो कार्टेज है, ये कार्टेज को रीड करने के लिए हमारा क्यूडीएक्स इंस्टा चेक रीडर है, उससे हम लोग कार्टेज में जो हम लोग सैंपल और डाइल्यूएंट को ऐड करेंगे उसको हम लोग 12 मिनट्स तक इंक्यूबेट करने के बाद हम इसी में क्यूडीएक्स इंस्टा चेक रीडर से हम उसको चेक करेंगे। ये जो है अभी हमने इसको रूम टेम्परेचर पर, जैसे मैंने फ्रिज से इसको निकाला है, तो रूम टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए मैंने एक दो मिनट के लिए हम इसमें जो आई चैम्बर है उसमें हमने इसको रख दिया है कार्टेज को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा बफर है, जो डिटेक्शन बफर है, अब डिटेक्शन बफर को हम लोग क्या करना है, 75 डिटेक्शन बफर हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, मिक्सिंग ट्यूब में 75 माइक्रोलीटर हमने इसमें डिटेक्शन बफर को डाल दिया है, ठीक है। अब उसके बाद 150 माइक्रोलीटर जो है आपको सीरम लेना है या प्लाज्मा, आपके पास जो अवेलेबल है उससे हो जाएगा। यदि सीरम से भी करना चाहते हैं तो सीरम से हो जाएगा, या प्लाज्मा से आप करना चाहते हो तो प्लाज्मा से हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 150 माइक्रोलीटर जो है यहाँ पे हमने प्लाज्मा ले लिया है, ठीक है, और उसको ऐड कर दिया हमने मिक्सिंग ट्यूब में, जो हमें अभी डाला था बफर डाला था, बफर के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, डिटेक्शन बफर में। बारी बारी से उसी तरह हम करेंगे, दूसरे में भी उसी तरह करेंगे। अब इसको क्या करना है कि अच्छे से लीड को क्लोज करना है और अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स उसको सेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेक करने के बाद जो हमारा कार्टेज है उसमें हमको लोड करना है इसको, ठीक है,
अब ये देखिए हमने छोटे पिपेट का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे जो छोटा पिपेट होता है, जैसे मैंने 25 माइक्रोलीटर यहाँ पे इसमें एडजस्ट किया हुआ है, तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये जो है इसके हेल्प से यदि हम करेंगे तो 100 माइक्रोलीटर वाले से यदि 75 एडजस्ट करते हैं तो कई बार वो ज़्यादा, एक दो माइक्रोलीटर ज़्यादा वो पिपेट आउट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पिपेट आउट करेंगे 75 माइक्रोलीटर सैंपल, ठीक है, और उसको लोड करेंगे जो सैंपल वेल है कार्टेज में उसमें हम लोड कर देंगे, ठीक है। अब सैंपल को हम लोग लीव द सैंपल लोडेड कार्टेज एट रूम टेम्परेचर फॉर 12 मिनट। अब इसको 12 मिनट के लिए हम लोग रूम टेम्परेचर पे हम छोड़ देंगे इसको, ठीक है। जो हमारा आई चैम्बर है उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे एक रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि आप जो हमारे लैब है, लैब में प्राय क्या होता है कि गर्मियों के दिन में हम एसी चला रहे होते हैं तो रूम टेम्परेचर तो होता नहीं है, या तो आप इसके जगह पे आपके पास यदि इंक्यूबेटर है तो आप इंक्यूबेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 12 मिनट्स आपको वहाँ पे टाइम को नोट करना पड़ेगा। तो सेम काम यहाँ भी हम करेंगे। आप यदि चाहें तो अपने पिपेट से भी आप मिक्स कर सकते हैं, 10-12 टाइम्स जो है आप उसको मिक्स कर सकते हैं अच्छे से पिपेट से। अब ये जो हमारा सेकेंड कार्टेज है इसको भी हम इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, और 12 मिनट्स के बाद हम उसका रीडिंग ले लेंगे। आफ्टर 12 मिनट्स वी टेक रीडिंग विद द हेल्प ऑफ QDX InstaCheck रीडर, ठीक है। अब देखिए हमारा जो आई चैम्बर है इससे हम लोग निकालते हैं जो कार्टेज है और उसको हम लोग QDX InstaCheck रीडर में हम इसको डाल के रीड करेंगे। सबसे पहले तो वहाँ पे सेलेक्ट या स्टार्ट बटन को आप प्रेस करना है, उसके बाद कार्टेज को रख के इसके अंदर इंसर्ट करना है और यहाँ पे जो अब रीडिंग आएगी उसको आपको लिख लेना है। जैसे जो रीडिंग है वो जैसे 3.05 आ रही है, तो इसके रीडिंग यदि हम नॉर्मल रेंज के बारे में बात कर लेते तो एडल्ट में इसके जो नॉर्मल रेंज है 0.325.6 ये माइक्रो IU यानी इंटरनेशनल यूनिट पर ML, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं अलग अलग जो मशीन होती हैं, कई मशीन में आपको 0.5 to 4.5 दिखेंगे, कई जगह भी 0.5 to 5 माइक्रो IU पर ML दिखेंगे, ठीक है। अब यदि जिस InstaCheck रीडर से हम कर रहे हैं इसका यदि हम प्रिंसिपल के बारे में बात कर लें, प्रिंसिपल ऐसे मैंने आपको बताया था कि सैंडविच इम्यूनो डिटेक्शन मेथड के ऊपर ये वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो डिटेक्टर एंटीबॉडीज जो होते हैं बफर में वो बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ, ठीक है, जो सैंपल के एंटीजन होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं और फॉर्म करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो नाइट्रोसेलुलोज जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें माइग्रेट करेंगे जहाँ पे जो अदर इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडीज जो होते हैं स्ट्रिप पे, टेस्ट स्ट्रिप पे, उसके द्वारा इसको कैप्चर किया जाता है, ठीक है, और जिसको कि जो हमारा QDX InstaCheck रीडर है वो उसको फ्लोरोसेंस सिग्नल के द्वारा इसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो InstaCheck रीडर हमारा है ये बताएगा कि TSH का कॉन्सेंट्रेशन सैंपल में कितना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो प्रोलैक्टिन और HbA1c के टेस्ट प्रोसीजर के ऊपर होगा, ठीक है।